हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्गरेट मीड के बारे में। इनका ड्यूरेशन है 1901 से लेकर 1978। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है कमिंग ऑफ एज इन सोमा। ये बुक इनके पब्लिश कब हुई थी 1928 में। मार्गरेट मीड जो थी ये फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। रूथ फल्टन बेनेडिक्ट के बाद अगर कोई फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी तो वो है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड फ्रांस बॉयज की स्टूडेंट थी। इस रीजन से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड थी। फ्रांस बॉयज के साथ साथ वो रूथ फल्टन बेनेडिक्ट के भी स्टूडेंट्स रही थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, लेकिन सारी बुक्स की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो आज इस बुक में हम देखेंगे कमिंग ऑफ एज इन सोमा, जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी। तो इस बुक में खासियत क्या, उन्होंने क्या रिसर्च किया है, इस बुक के थ्रू लोगों को क्या बताने की कोशिश की है। तो गाइज, इनकी ये जो ये बुक है ये फर्स्ट बुक थी कमिंग ऑफ एज इन सोमा, जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है कि पश्चिम जो संस्कृति है, वेस्टर्न जो कल्चर है, जो सेवन जो किशोरियाँ थीं उनके बीच किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक ढंग से तनाव रहित होता था, कठिनाई रहित होता था। जो बालिकावस्था है, बालिकावस्था से लेकर नारी अवस्था भी परिवर्तन दर्शाती थी। इसे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किशोरावस्था एक तनाव एवं तूफान की अवस्था नहीं थी। तो कहने का मतलब है, उन्होंने जो रिसर्च किया है वो सेमवन जो यूथ है वहाँ पे जाके उन्होंने रहकर वो फिर वहाँ पे रिसर्च की, तब जाके उनकी ये बुक कंप्लीट हुई है और पब्लिश हुई 1928 में। तो कल्चर एंड पर्सनालिटी के ऊपर उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है कि कल्चर का पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या फिर पर्सनालिटी का कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वही वो यहाँ बताने की कोशिश की हैं। तो इस बुक के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि जो सेवन जो किशोरियाँ थी उनके बीच में कोई मनोवैज्ञानिक ढंग से तनाव नहीं था, ना कोई कठिनाई था। जो वो बालिकावस्था में आती हैं तब से लेकर नारी अवस्था तक उनमें परिवर्तन दर्शाती थी, उनमें किसी तरह का कोई भी तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।